हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेप्लेक्टिन डिक्सोना टैबलेट के बारे में, जो कि मार्केट में मोटापा और वेट गेन के लिए काफ़ी जानी मानी टैबलेट है और ये काफ़ी नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए और हड्डियों को कमज़ोर भी कर देता है। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं सेप्लेक्टिन डिक्सोना टैबलेट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेप्लेक्टिन डिक्सोना के बारे में, इसके क्या कॉम्पोजिशन है और जो इसमें कॉम्पोजिशन है वो किस काम के लिए यूज़ किया जाता है और हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, यह सभी बातें और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सेप्लेक्टिन डिक्सोना टैबलेट के बारे में, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर काफ़ी सस्ती टैबलेट है दोनों ही, और यह काफ़ी आसानी से मिल जाती है अगर आपको आपके पास के मेडिकल स्टोर पर। और यह डिक्सोना टैबलेट जो कि 2 रुपये में पूरा स्ट्रिप मिलता है और सेप्लेक्टिन का स्ट्रिप जो कि 30 रुपये में आपके पास के मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। अगर हम बात करें डिक्सोना टैबलेट जो कि एक स्टेरॉइड सॉल्ट है और साइप्रोहेप्टाडिन जो कि सेप्लेक्टिन में दिख जाता है वो एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है। अगर हम बात करें सेप्लेक्टिन और डिक्सोना का रियल वर्क क्या है, तो जैसे कि डिक्सोना का यह एलर्जी, जॉइंट्स पेन, अस्थमा या उत्तेजित करना या किसी काम के लिए इंस्टेंट एनर्जी आने के लिए यूज़ किए जाने वाला टैबलेट है। और यह क्योंकि यह कोर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड श्रेणी से संबंध रखता है, इसलिए इन सभी प्रॉब्लम में यूज़फुल है। अगर हम बात करें इसके सेप्लेक्टिन की, तो यह एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है, जैसे कि घबराहट या बेचैनी की तरह की कोई भी शिकायत होती है तो उसमें यह टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और यही थी इन दोनों टैबलेट की यूज़ के रियल वर्क, यह इन दोनों प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है, वो भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सलाह से ही आप इस टैबलेट का यूज़ करें अगर आप इन प्रॉब्लम में भी यूज़ करते हैं तो। अगर हम बात करें हम इस टैबलेट को क्यों और किस प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, तो इसे हम वेट गेन करना, वजन बढ़ाने के लिए या इंस्टेंट मोटापा के लिए यूज़ करते हैं, भूख बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं या ताकत पाने के लिए यूज़ करते हैं, यह इन सभी प्रॉब्लमों के लिए नहीं है और यह काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है अगर आप इन सभी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं तो। अब हम बात करें इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इस सेप्लेक्टिन डिक्सोना का यूज़ करते हैं तो आप इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, लीवर, किडनी और आइस प्रॉब्लम में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लीवर कमज़ोर हो सकती है, लीवर की किसी तरह की डिसीज़ हो सकती है, किडनी का डिसीज़ हो सकता है किसी तरह का, या अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो आप इसका भी यूज़ ना करें, आपको बीपी की भी शिकायत हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है या नींद की आदत पड़ सकती है अगर आप इसे टैबलेट को रेगुलर यूज़ करते हैं तो, आप नींद की भी प्रॉब्लम आ सकती है, सर दर्द प्रॉब्लम हो या कब्ज हो सकती है, कब्ज की शिकायत हो सकती है या गैस का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप इसे लंबे टाइम तक या लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो, आपको यह साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके। और इससे आप इन्हीं सभी प्रॉब्लम में आप इसे यूज़ ना करें, वेट गेन के लिए यूज़ ना करें, वज़न बढ़ाने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि यह काफ़ी हानिकारक हो सकता है अगर आप इन सभी प्रॉब्लमों में यूज़ करते हैं तो। तो यही था सेप्लेक्टिन और डिक्सोना टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।